भी देखो मेरे सारे सामान ये रहे। अभी मैंने जो जो मंगाया है तो अभी मैंने एक सर्व रख दिया है अपना माई के बोया का। हेलो गाइस, ब्लॉग तो गाइस सभी बज रहे हैं। मैंने इसलिए बोला आपको सुन रहा है ना हो, बट इनका हो गया है। तो अभी क्या है ना गाइस, मैंने पहले ब्लॉग का एंड कर दिया, इससे पहले भी बनाया था और अभी मेहमान आए हुए अंदर थोड़े, तो इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी। और आज मेरा माइक आ जाएगा तो उससे ब्लॉग करेंगे तो बिल्कुल क्लियर नॉइज़ आने वाली है, तो वो तो मैं आपको दिखाई दूँगी। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो जो टूल मैंने एक गाइस, ये चीज़ बोलने में थोड़ा अटक जाता हूँ मैं, बट ये देखो अपने जो जिमिंग के टूल्स वगैरह हैं ये और ये। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, और कुछ आने वाला है तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी पहले अनबॉक्सिंग कर देते हैं इसकी, और दादी आ चुकी हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया है तो मैं उन्हें भी दिखाऊंगा गाइस। पहले कुछ ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक चीज़ सब ओपन करके। ये तो आपको मैंने आपको भी बता दिया, एप्पल साइडर विनेगर के बारे में, जो कि बहुत हेल्थी ड्रिंक है। इसमें से बस एक चम्मच लेना पड़ता है, और एक चम्मच लो और आपका पानी में डालो, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी होता है, गर्मी की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो गर्म भी कर सकते हो, थोड़ा बॉइल करके पानी को भी डाल सकते हो। वैसे जीरो शुगर होता है गाइस, इसमें शुगर है नहीं ज़्यादा। इससे आपको क्या जो शुगर वाले व्यूअर्स हैं वो भी से मंगा सकते हैं, और उनको क्या है ना शुगर की प्रॉब्लम हुई नहीं गाइस। क्यों? क्योंकि इसमें 0% है शुगर है ही नहीं, मतलब नाम चाहिए नेचुरली फॉर्मेटेड अनडिलीटेड एंड रोज, मतलब गाइस देखो इसमें क्या है ना ही इसमें कुछ चीनी है, और ये नेचुरली बनाया गया है। जो रियल वाले एप्पल होते हैं उन्हीं से बनाया गया है, और उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें भी डली हुई जो उसमें दिखाई मैंने आपको, और उसमें इसकी जो टिप्स बता रखी है डायरेक्शन को यूज़ किस तरीके से यूज़ करा जाएगा ये भी बता रखा है। तो मैं आपको बताएगा 1 टीस्पून या 2 टीस्पून भी आप ले सकते हो ऑर्गेनिक वगैरह ग्लास, सॉरी एप्पल फ्लेस ग्लेस ऑन वाटर एंड कंज्यूम एंड आर इनफिटी सो मच डीन मॉर्निंग, मतलब अगर आप सुबह ले सकते हो 1 से 2 टीस्पून, और क्या है ना एड ऑफ सम फूल्स ऑफ हनी एंड प्रीपेड, मतलब आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हो गाइस अपने तरफ से। और क्या है कैन बी यूज द सैलडिक ड्रेसिंग, आप किसी मतलब जैसे कुछ खा रहे हो आप मीठे में तो उसमें भी डाल सकते हो आप इसे, फॉर स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और वेट लूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। 12 हफ्ते में ये आपका वेट लूज़ कर देगा अच्छे से। तो अभी ये तो मैंने आपको बता दिया गाइस। तो अब नेक्स्ट है गाइस ये, तो अभी मैं क्या थोड़ी देर के लिए चला गया था, पापा काम कर रहे थे यहाँ पर अपना, तो इसलिए मैं गया था बाहर। तो अभी मैं आया हूँ थोड़ी देर बाद, तो अभी थोड़ा आपको चेंज वगैरह लग रहा होगा वैसे बैकग्राउंड वगैरह। तो अभी ये देखो गाइस मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये एक रोलर प्रो रोलर है इसका नाम जो है कि ये रहा, ये भी मैंने मंगाया था गाइस अमेज़न से ही। ऐसी बॉडी तो बनाएगा नहीं वैसे, बट जो अपनी टमी की जो मसल्स होती है ना उन्हें क्या और ज़्यादा मतलब जो फैट होगा उसे ट्रिम करेगा, और जो मसल्स होंगे उन्हें और गेन करेगा, मतलब उनकी जो फॉर्म होती है ना उसमें लाएगा। तो अभी इसकी रेट देखते हैं, 1299 रुपये का था गाइस, पता कितने में मिला गाइस 300 रुपये में। तो ये आप भी मंगा सकते हो अमेज़न पर, बहुत तगड़ा ऑफर चल रहा है। रात में मतलब वो देखा था कि सामान ठीक आया नहीं आया, मैंने इसलिए आप पैक करके रख दिया कि मैं ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ गाइस ये रोलर, पहले तो इसमें आप जैसे खोलते हैं ना सबसे पहले देखने को मिलती है इसमें, जो कि पेयर रखने के लिए होती है। इससे क्या है ना अपन पेयर रख के ना इस पर ग्रिप बना सकते हैं। तो एक तो ये हो गई, और अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना व्हील। ये सिंगल नहीं है डबल आया है, तो क्वालिटी एकदम मजबूत वाली है, एकदम पक्की वाली। और एक और कहाँ गया, एक और ये रहा एक और गाइस। तो गाइस अभी भी मैं चला गया था एकदम ही निकालते ही, फिर एकदम अपना माइक भी आ गया था जो कि मैंने मंगाया था बोया बाय एम एम वन, ये मंगाया था। ये इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, पहले पूरा दिखा देता हूँ गाइस। तो इसके 2 व्हील हैं, और कहाँ गई इसकी एक व्हील, तो एक ये थी जिसके अंदर अपना ये रिंग लगाएंगे जो अपने फ्रंट व्हील आए, पहले से निकाल लेते हैं कौन सा साइड से निकल कल रास्ता पता नहीं है। तो चलो ये मुड़ेगा तो नहीं, कम से कम बैंड होने का डर रहता है इनसे, तो बैंड तो होगा नहीं। अभी से जल्दी से फिक्स कर देते हैं, तो गाइस अभी देखो ये पूरा तैयार हो चुका है, जो भी मैंने
लगा दिया अच्छे से पूरा एक बराबर से। तो अभी हम इसे यूज़ भी करेंगे, तो पहले कुछ और खोल के देख लेते हैं गाइस। तो गाइस अब नेक्स्ट प्रोडक्ट अपना ओपन कर लेते हैं, जो कि है अपना टमी ट्रिमर, जो बैली फैट होता है उसे घटाने के लिए, और क्या है ना बॉडी के अंदर टूनर, मतलब बॉडी टूनर है ये, वेस्ट ट्रिमर है, फैट बर्नर एंड टोन्स आर्म्स। जैसे कि इसे निकाल लेते हैं, ये इसमें पैक का क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, चप्पल नहीं भाई वो। तो देखो गाइस ये इसमें अपना ग्रिप बनाने के लिए होते हैं ये, और ये इसका वो है, तो मैं अभी आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। तो ये देखो इस तरीके से है, कुछ भी नहीं रहे। अच्छा, तो इसे रख देते हैं, अब मैं दिखाता हूँ गाइस आपको माइक। तो उसका डब्बा तो ये था, मैंने देख रहा था कि माइक ये है, कुछ और आ गया हो, तो माइक दिखते हैं खोल कर। निकाल लिया है माइक, कैमरा थोड़ा भी नीचे आ गया है, स्टैंड तो उसका टूट गया, मैंने आपको दिखाया था। तो ये अपना माइक के फेदर देखते हैं, गिर गिरा तो नहीं रहे, गिर रहे। वो एक आध ऊपर होता है, अपर में होता है वो। तो गाइस माइक यूज़ करके देखते हैं कैसी क्वालिटी आ रही है, जो इसकी स्टैंड है वो ये रहा। तो गाइस इस तरीके का माइक चाहिए था भाई, मज़ा आ रहा है हाथ में लेने में, ये अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे भी सही मिल गया था वैसे, मगर थोड़ा गया ना, जो अपने जो ईद का जितना भी था ना, ईदी वगैरह सब जोड़ा और सब कुछ मंगा लिया है जो मेरे को चाहिए था। अब भुजा कितना टाइट है भाई, थक गया। तो गाइस घर में भी दिखाएंगे, तो अभी इसके चेक करते हैं। एक तो ये फ़ोन के लिए गाइस, ये फ़ोन के लिए, और ये है माइक, ये है कैमरे के लिए। तो वो भी हम कभी लाएंगे, तो उसकी भी आपको वीडियो दिखाएंगे गाइस, जो ऐसे हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो अभी ये इसका कैरी बैग है जो अच्छा है, मैं एक बैग भी लेकर आऊँगा जिसमें सारे टूल वगैरह रखूँगा अपने। उसका कैरी बैग भी बढ़िया है भाई, लेदर क्वालिटी का लग रहा है। तो ये रखते हैं, हेलो माइक को टेस्ट करते हैं पहले। तो मैं फ़ोन का वाला निकालता हूँ और चल अभी यार इसमें कैसे लगेगा गाइस, क्योंकि इसमें तो यार ये जैक ही नहीं है, माइक्रो जैक है ही नहीं इसमें गाइस, तो भी मैं इसमें कैसे लगाऊंगा, इस चीज़ की कन्फ्यूजन हो रही है। अंदर से तो पूरा सही है भाई, स्पंज चाहिए तो ऐसे। जब गाइस मैं इसके नीचे का जब वो ले आऊँगा ना, चलते हैं एक अडेप्टर आता है इसमें कि माइक्रो यूएसबी लगा सकते हैं उसमें, और टाइप सी में जाके जोड़ सकते हैं, तो वो लेकर आऊँगा जब मैं आपको इसको पूरा चेक करूँगा। तो अभी इसे वैसे ही रख देते हैं जैसे आया था। अभी कुछ है नहीं वैसे, माइक का जो मैंने मंगाया था वो है ही नहीं, अभी मेरे मुंह में माइक का फैदर आ गया था। तो अभी क्या है ना गाइस, इसके अंदर वापस माइक को रख देते हैं जो जो सामान थे, और बाकी क्या अभी गिर मत, इतना महंगा माइक आया है, पहली बार मैंने गाइस इसमें इस तरीके का माइक मंगाया है। वैसे मेरे अभी ये जितने ही ब्लॉग करूँगा गाइस इससे ही करूँगा, वैसे अभी मेरे को स्टैंड भी लाना है, उसके बाद मैं इससे माइक से करा करूँगा, और वॉइस एकदम क्लियर आएगी आपको। अगर मैं चाहे कितनी भी कैसे भी एरिया में हूँ, कितने भी भीड़ हो, कितने भी कुछ भी हो, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आएगी, और जिसलिए मैंने मंगाया। तो इससे पहले रख देते हैं गाइस वगैरह, रख देता हूँ सब कुछ रखने के बाद हम फिर बाकी ब्लॉग करते हैं। देखो मेरे सारे सामान ये रहे, अभी मैंने जो भी मंगाया है, तो मैंने एक सर रख दिया है, अपना माइक है बोया का, अपना एप्पल सैंगर, और ये टमी ट्रिमर, और ये रोलर। तो अभी ये सब कुछ यहाँ रख दिया है, ये तो कल से यूज़ होंगे, अभी भी करूँगा थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँगा गाइस, कल से नहीं आज से करेंगे, इसे थोड़ी देर में करेंगे, उसकी थोड़ी टाइम से करेंगे यूज़। वो भी स्टैंड मंगाना है मुझे अच्छा सा क्वालिटी का, उसके साथ मंगाएंगे जैसे मैंने आया खाली में माइक और वीडियो। तो गाइस पहले स्टैंड मंगाएंगे, उसके बाद ब्लॉक कर देता हूँ, इन दोनों को नहीं रखूँगा, इसको और इसको रख देता हूँ, इसे भी एक पी लूँगा, इसे निकाल लेते हैं। इसका क्या करना है गाइस, इसे फेंकते हैं, और इसमें ये निकाल लिया बस, ये सब निकाल लेते हैं, अभी फिटनेस का माइक रख देते हैं गाइस। आपको बताऊंगा कि एप्पल साइंगर विनेगर कैसे बनाते हैं। तो गाइस पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो वैसे डलता कुछ नहीं है ज़्यादातर, हाँ आप चाहो तो अपनी तरफ से हनी ऐड कर सकते हो वैसे। तो मैंने पहले एक गिलास लिया है, और हम एक टी स्पून डालेंगे, मतलब कि एक चम्मच में लेंगे अपना, इसे थोड़ा छोटा देते हैं, ज़्यादा ही डीप है तो ये सही रहेगा। तो पहले यार एक हाथ में स्टैंड होता है ना, बहुत काम के लिए होता है भाई, ये स्टैंड भी ऑर्डर करना है, मगर पहले यार कुछ देखना पड़ेगा अच्छा स्टैंड,
अभी जितनी भी ईदी थी सारी ख़त्म कर डाली मैंने। कम से कम मैंने 2000 रुपये बचाए थे जो कि मेरे पूरे ख़त्म हो चुके हैं। और अभी और भी सामान मंगाना है तो अभी इसके लिए भी कुछ करना, पहले से खोल लेते हैं। सील बहुत टाइट हो गई है, पहले अब हम निकालेंगे। सील खोल लिए मैंने, ओ भाई खुल जा, जिसमें सील पैक था ना गाइस तो उसे पहले खोलना पड़ता है। जो भी खोल लिया है तो चम्मच से कि नहीं डालता हूँ क्योंकि अभी चम्मच में रखने के लिए एक हाथ भी ओ इतना ठीक है गाइस, एक टीस्पून से ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही होगा जो कि मैंने डाल लिया है। पैर में लगी एक कल, साइकिल पे जा रहा था मुस्कान की बैठ कर, मत दिखा ऐसी चीज़ें नहीं खाते, बहुत ख़तरनाक लगी है। तो गाइस इसके पैर पता है, पैर साइकिल का जो व्हील होते हैं ना उसके अंदर पैर घुसा दिए और मुड़ गया पैर, बहुत तगड़ी लगी है। इसलिए मैं आपको दिखाना नहीं चाहता क्योंकि थोड़ा ज़्यादा वो अजीब लगेगा, इसलिए मैंने दिखा रहा क्योंकि थोड़ी ज़्यादा चोट लगी है, इसकी शक्ल से पता लग सकता है। और परसों क्या है ना, सिलेंडर लेके कूदा, सिलेंडर के साथ गैस पूरा नीचे से नीचे तक जाके गया है। वो तो सिलेंडर इसके साइड में गिरा था, इसके मुँह पर गिरता ना तो आपको इसका मुँह थोड़ा गोल गोल दिखता, जो अभी है नहीं। क्या है ना, एप्पल साइकिल विनेगर बना रहे थे तो वो दिखाता हूँ गैस। पहले अपन ने जो डाल लिया है एक चम्मच लेकर, पहले एक चम्मच लेकर जो क्या है ना, एक चम्मच रखेंगे इसमें और थोड़ा बॉयल नहीं मतलब नॉर्मल पानी डालते हैं गैस। एप्पल विनेगर एप्पल साइकिल विनेगर तैयार हो चुका है, नाम भी बोलने में मजा आता है। और पी के चेक करते हैं किस तरीके का बना हुआ। ओम वो भाई बहुत खट्टा है, अब पता लगा शायद भी बोलता भाई इसमें डालने के लिए, बहुत खट्टा है ये। मगर क्या है ना, जो दवा होती है वो खट्टी होती है, और सच होता है वो भी कड़वा ही होता है। तो कड़वा जरूर है मगर फ़ायदे इसके बहुत होते हैं, हम इसे पियेंगे। भाई बहुत खट्टा था, पी लिया मैंने पूरा। तो हम सुबह पहले करेंगे, या तो मुझसे थोड़ा ज़्यादा डल गया होगा या तो मुझसे पानी थोड़ा कम डल गया होगा, यही हुआ होगा, ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं होगा। और अभी नीचे मेहमान वगैरह आए हुए हैं, और भी अपना कुछ सामान ढूंढ रहा था, पहले वो ढूंढ रहता हूँ। और क्या है ना, इसे तो हम यूज़ करेंगे, अभी भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँगा। और अभी क्या ना गाइस, मेरे को एक पसंद वाला मैंने आपको दिखाया था ब्लू कलर का था, वो भी निकाल लूँगा, फिर करेंगे कल से स्टार्ट अपनी वर्कआउट। था कोई एक मामू के साथ अपने चलते कुछ काम से, तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा जहाँ मैं जाऊँगा। तो अभी क्या है ना, हम एक कोर से एरिया में खड़े हैं जो कि एकदम पूरा है दिल्ली के अंदर आए हुए हैं। ये आरिश और ये मैं, तो अभी क्या है, अभी घूम रहे थे, एक जना कोई सामने आ गया तो हम तुरंत ही ब्लॉग रोक लिया। और ये आरिश है, तो अभी तो हम खड़े हुए हैं। वैसे बाहर थोड़ा बहुत देर से बैठे हुए थे, पेट गर्म हो गई पसीने से, तर हो गई, उसके बाद हम बाहर आ गए। ज़्यादा यहाँ दिखाता नहीं क्योंकि ये कोर से एरिया हैं, तो क्योंकि आए हम इसलिए दिखाएंगे नहीं। और ये मर्सिडीज़ दिखा रहा है भाई, ये निकलती रहेंगी मर्सिडीज़, मर्सिडीज़ दिखाता रह जाएगा उंगली कर करके। तो गाइस अभी देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, अभी मुझे ब्लॉग यहीं बंद करना पड़ेगा कहीं लगता है क्या है, यहाँ पे ब्लॉग कर नहीं पा रहा मैं। तो गाइस मुझे यहीं भी बंद करना पड़ेगा, आगे दिखाऊंगा। बहुत देर से बैठे हुए हैं और ये पक गया है थोड़ा थोड़ा बैठे बैठे, तो अभी गर्मी हो रही है। और देखो वो मामू बाहर गए हैं वहीं पर, यहाँ मैंने आपको पहले भी लाया था गाइस, बहुत पहले लाया था जब मैं अकेला आया था, बट बारिश आया है, गेट खोल के बैठा हुआ है और बहुत तेज चीख रहा है गाइस। ये सोच रहा है बाहर आवाज़ नहीं जाएगी, और गाइस यहाँ की गाड़ियाँ देखे जा रहा बार बार जो आ रही हैं। भाई पोर्ट्स एरिया तो भाई अच्छी अच्छी कारें तो जरूर आएंगी, ये तो यहाँ पे मतलब नॉर्मल है कि गाड़ियाँ ऐसी आती रहती हैं। और गाइस पीछे जो हमारी कोठियाँ हैं ना, जो मैं आपको शायद दिखा पाऊँ, तो गाइस ये देखो, और ये बट वहाँ की साइड हैं 40-40 करोड़ की कोठियाँ गाइस, 40-40 करोड़ की, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। गेट लगा नहीं रहा है इसे, पता नहीं क्यों नहीं लगा रहा है। पर क्या ना गाइस, अभी हम घर के लिए निकलने वाले हैं, राजा मामू आ रहे हैं तो हम घर के लिए निकलते हैं गाइस, बाकी हम वहीं पे बताएंगे आपको। खाना वगैरह मैंने खा लिया, तो मेहमान सॉरी मामू वाला नहीं वगैरह, तो मैं अंदर आपको झलक दिखाता, बट अभी मूवी चल रही है अंदर, कुछ और कभी भी सामने बन जाएगा,
और कॉपरेट पड़ जाएगा तो मैं अंदर जाने रहा हूँ, तो भी मन कर गया है। और भी आरिश बारिश को मैंने दिखाया तो भाई आरिश आ गया तो में, मगर मैंने दिखाया नहीं आपको, क्यों? क्योंकि भाई क्या टाइम नहीं मिला था, सब गेम बाहर आ गए थे। और अभी भी देखो गेम में लगा पड़ा है बंदा, गेम में खेलता रहेगा बस ये। देखो गाइस इनका आपने रिएक्शन दे रहा हूँ, आप देख रहे हो बहुत थोड़ी रात हो रही है, अभी सब सोने चले गए, ये यहाँ बैठे हुए हैं और ये रहा सब और ये रहा आरिश। तो गाइस अभी मैं आपको बाकी सब कुछ कल बताऊंगा, तो अभी इस ब्लॉग का एंड करते हैं। तब से कल नेक्स्ट ब्लॉग में आज के लिए इतना ही, लाइक कर दो सब्सक्राइब तो पहले करना बंद। तब से कल नेक्स्ट ब्लॉग में कल माइक लगा ही लूंगा, कल मैं लेकर आऊंगा गाइस इसका, चलते हैं अडैप्टर और ये भी बाय करी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए टाटा, सुबह बाय, लाइक कर दो, बाय बाय।